खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। सिंगरौली, सूबे के दो मंत्री प्रदीप जायसवाल व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल एक दिवसीय दौरे पर सिंगरौली पहुंचे हैं और जिले में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की बैठक ली है। इस दौरान खनिज प्रतिष्ठान निधि से जिले की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने की बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ जिले के गढ़वा थाना क्षेत्र में रेत का लगभग 50 लाख कीमत का अवैध स्टॉक पकड़े जाने के सवाल पर कहा कि हम लोग चोरों को नहीं रोक पा रहे हैं। कलेक्टर, एसपी, डीएफओ को कड़ी फटकार लगाई और मना है कि रातों रात पुलिस के संरक्षण में रेत का अवैध स्टॉक हुआ है, जहां रेत जब्त की है। कहा, अवैध उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा वसूली का है। पूरा मामला मुख्यमंत्री कमलनाथ के संज्ञान में है, जल्द ही शामिल पुलिस अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही की जाएगी। प्रभारी मंत्री ने जिला खनिज राशि से जिले में प्रस्तावित एयर स्ट्रिप के लिए 35 करोड़ रुपए, आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को बैठने और पानी के लिए 4 करोड़ रुपए और 23 धान खरीदी केंद्रों के निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपए कार्यों की हरी झंडी दी। 10 साल से निर्मित हो रही सीधी सिंगरौली हाईवे 39 की दुर्दशा पर मंत्री ने दुख व्यक्त किया और उसे जिले की गंभीर समस्या है। साथ ही उन्होंने इस सड़क की मरम्मत कराए जाने के लिए सीएसआर से राशि उपलब्ध कराने की बात भी कही है। दूसरी ओर पूर्व से स्वीकृति प्राप्त 386 कार्यों की समीक्षा कर उन्हें समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार मंत्री जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के द्वारा प्रदेश के 100% पटवारियों को भ्रष्ट कहे जाने पर प्रदेश के खनिज मंत्री ने सफाई दी और कहा कि 100% लोग ईमानदार नहीं है, लेकिन किसी एक के कारण सभी को बेईमान कहना उचित नहीं है, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो या पत्रकार हो। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई पटवारी भ्रष्ट है तो उसे सस्पेंड कर सुधार कर सकते हैं। हम सरकारी तौर पे खनन नहीं करवा पा रहे, लेकिन हम चोरों को नहीं रोक पा रहे थे। मेरे पास बहुत लोगों का फोन आया था मेरे पास डायरेक्ट। मैंने कलेक्टर, डीएफओ, एसपी सबको इस बात की फटकार लगाई कि वहाँ पर डंप है बकायदा, रातों रात पुलिस के संरक्षण में रेत निकली जा रही है। तो पूरी टीम ने छापा मार के वहाँ डंप भी पकड़ा, गाड़ियाँ भी पकड़ी, तो हमने युद्ध स्तर पर उसमें कार्रवाई कराई और जहाँ भी ऐसी बात आ रही थी हम युद्ध स्तर पर पूरा दबाव बना के कार्रवाई करवा रहे हैं। उस थाना क्षेत्र के अभी थाना प्रभारी पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई सर, तो क्या लगता है संरक्षण था तो कार्रवाई भी होनी चाहिए थी? उस तक हम पहुँचे नहीं हैं जहाँ ऐसी बात आई थी। मुझे पता चला है, गाँव वालों ने मुझे बताया कि पुलिस का संरक्षण हो रहा है। अभी तो हमने सारी कार्रवाई करके डंप के ऊपर कार्रवाई की है, गाड़ी भी पकड़ी है और जैसा आप लोग बता रहे हैं कुछ टीआई उसमें संलग्न है। सबसे बड़ा मुद्दा भी खनिज विभाग में पुलिस का ही आ रहा है। अवैध उत्खनन उतना बड़ा मुद्दा नहीं जितना मुद्दा अवैध वसूली है, सबसे बड़ा मुद्दा। तो ये पड़ाव संज्ञान में है, माननीय कमलनाथ जी के संज्ञान में भी है, लेकिन कुछ बीमारी ऐसी है कि उसको थोड़ा समय लग रहा है। अभी तक नीलामी नहीं हो पा रही सर, अभी तक नहीं हो पाई। क्यों? चितरंगी विधायक का आरोप है कि कांग्रेस सरकार के इसीलिए प्रारंभ हो जा रही है। मेरा मानना है कि अक्टूबर लास्ट तक अभी कुछ मुद्दे थे, इसमें हमारे खास सारे पॉइंट डिसाइड हो चुके हैं, सिर्फ ग्रुप का मुद्दा चल रहा था। जैसे ही उसमें सलाह आएगी माननीय सीएम साहब की और हमारे कमेटी की, तो उसके बाद शीघ्र ही एक या दो दिन में फाइल हमारे पास आ जाएगी, हमारी सारी तैयारी है और आप देखेंगे कि अक्टूबर के लास्ट तक सारे प्रदेश के खदान में टंडा। मामला संज्ञान में आने के बाद अभी पुलिस के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी सर? ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ कार्रवाई करके, लेकिन उसमें कौन दोषी है ये बात पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे बताना तो आसान होता है, लेकिन उसको पकड़ना उसको उसके साथ वो थोड़ी सी दिक्कत जाती है। लेकिन ये बात मोटे तौर पे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिना पुलिस की संलग्नता के ये संभव नहीं हो पाएगा। सर खंडवा से प्रतिनियुक्ति में आए हैं उपमंत्री संतोष पांडे, तकरीबन 27 साल से वो नगर निगम में कार्यरत हैं, क्या ऐसे अधिकारियों के लिए भी कोई नियम बनेगा सर? पिछले बार भी शिकायत हुई थी कांग्रेस के लोगों ने, शिकायत की, उसको देखना पड़ेगा। मैं देख नहीं पाया उसको, 27 साल से है जरूर और किसी परिस्थिति में होंगे, हो सकता है, लेकिन उनकी शिकायतें क्या है सर? कोई केंद्रित रूप से कोई शिकायतें नहीं आई। लगातार बीजेपी हमले कर रही है कि मध्य प्रदेश में जो भरे बरसात में भी ट्रांसफर हो रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों कर रही कांग्रेस सरकार? नहीं देखिए, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, 15 साल सरकार रही, अभी हमने 35,000 शिक्षकों का ट्रांसफर किए, ठीक है, वो शिक्षकों का ट्रांसफर पिछले 15 साल में नहीं हुए, लेकिन आज हमने 9 महीने के अंदर 35,000 शिक्षकों का ट्रांसफर किए। खबर समय जगत के लिए सिंगरौली से ओम प्रकाश दुबे की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।